स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और स्टूडियो में आज के विषय पर चर्चा के लिए और ढेर सारा ज्ञान लेकर रहस्य लेकर हमारे साथ हाजिर है स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय माता दी। तो आचार्य जी से हम तो जानेंगे ही कि आखिरकार आज के विषय पर क्या कुछ वो हमें जानकारी देने वाले हैं और वो कौन से रहस्य हैं जिन पर से आचार्य जी पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं जिनका आप समाधान चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे एक नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर फोन करके हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्याओं परेशानियों का समाधान ज्योतिष के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो हमारा आज का विषय वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। जी हाँ, गुस्सा, जिस पर अधिकतर लोगों का कंट्रोल नहीं होता लेकिन वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे, लेकिन गुस्सा क्यों आता है, इससे ग्रहों का क्या कनेक्शन है और वो कौन से ग्रह हैं जो बेवजह गुस्सा करने से रूठ जाते हैं, घर में घुसते ही हमें क्यों गुस्सा तेज हो जाता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आचार्य जी से लेंगे। तो चलिए, जब बात हो ही रही है गुस्से की और गुस्से का असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है तो हेल्थ की भी बात कर लेंगे। जी हाँ, फिट आप फिट रहेंगे तो हिट भी रहेंगे। तो फिट हैं तो हिट है में बात होगी। आपकी उम्र में अगर कम उम्र में चश्मा लग जाता है तो इसे आप कैसे हटाएंगे, क्या उपाय करेंगे कि कम उम्र में लगा हुआ चश्मा हट जाए, तो उसके बारे में भी आचार्य जी से ही हम उपाय लेंगे। लेकिन बात आज के गुस्से की। जी हाँ, क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि बिन वजह कई बार गुस्सा आ जाता है और आपको लगता है कि छोटी सी बात इस गुस्से के चलते ही पहाड़ जैसी बड़ी हो गई और घर में कई सदस्य हैं जो आपसे नाराज हो गए और जिन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो गया। ये हर घर की परेशानी हो सकती है और ये एक हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर भी होता है कि कई बार अचानक से गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्या इससे ग्रहों का कोई कनेक्शन होता है आचार्य जी, क्या कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है और छोटी सी बात पे ही हम बहुत बिफर जाते हैं और उस छोटी सी बात को हमें बड़े कलेश में तब्दील कर देते हैं, तो क्या कोई ग्रह है इसके पीछे, तो है तो कौन से? बिल्कुल, हमारे तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए, समझना होगा मेरे भाई बहन, आपके जीवन में जो असफलता परेशानी का युग बनता है उसका कारण क्या है? कहते हैं काम क्रोध मद मोह लोभ नाथ नरक के पंथ। आपके जीवन में जब क्रोध की अधिष्ठाता कौन है? देखिए, हमारे जीवन में किसी चीज पे अगर हमें, हम बोलते हैं हमारे हृदय के अंदर मोह बढ़ता चला जा रहा है, ए मेरा है और शरीर का जो आपके जीवन में आत्मा है ना, जब आपकी आत्मा पीड़ित होना प्रारंभ हो जाती है, नकारात्मक चीजों का समावेश आपके जीवन में हो जाता है तो आपके जीवन में क्रोध की अधिकता बनती है। ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अब सोचना होगा कि आपके जीवन में क्रोध की अग्नि कहां से आपको प्राप्त होती है। भृगु महाराज जी ने 12 भाव की चर्चा किया और 12 भाव में एक भाव ऐसा बनाया जिससे मनुष्य के कर्म का फल प्राप्त होता है, मनुष्य के नेचर का योग प्राप्त होता है और मनुष्य किस प्रकार के योग आपके जीवन में बनाने वाला है, परमार्थ करने वाला है या उसके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश होता है। दोस्तों, आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, सबसे पहला चीज तो क्या है कि आपका स्वभाव कैसा है। हम 9 ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। हमारी पत्रिका के अंदर अगर बुध महाराज जी बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं और नवमांश पत्रिका के अंदर आपके कर्म भाव अच्छे हैं तो हम क्या देखते हैं, हम बहुत सौम्य होते हैं, हम बहुत हसमुख होते हैं। किसी ने कुछ बुरा भी बोल दिया है ना, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नायक बोला गया है। लेकिन जब हमारे जीवन में बुध हमारा पीड़ित हो जाता है, क्योंकि बुध हमारे दिमाग को बैलेंस करता है, हम गणेश जी का संबंध सीधा बुध से क्यों लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, उनको क्रोध नहीं आता है। हजारों विघ्नों को दूर करने का जो सामर्थ्य है वह भगवान गणेश जी के पास है और बुध के माध्यम से, बुध क्या होता है, अच्छा वक्ता कौन बनाता है, आप समझते हैं ना, हमारे कितने कितने ऐसे सिंगर हैं जो अच्छी मधुर भाषा के अंदर गाते हैं, लता जी का देख लीजिए, बुध कितना अच्छा होगा। जिनके जीवन में बुध महाराज जी पीड़ित हो जाते हैं उनके जीवन में हम देख सकते हैं कि उनका जो शब्दों का बैलेंस होता है, उनके वाणी का जो दोष हो जाता है, अगर वाणी दोष आपके जीवन में लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं से आपका बुध पीड़ित है। और बुध पीड़ित होने से क्या करते हैं, जैसा कि ज्योति जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि
आपके जीवन में जो आपका जो नेचर है धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ हो गया, आपके जो अपने थे, आपके माता के साथ संबंध आपका खराब हो रहा है, पिता के साथ संबंध आपका खराब हो रहा है, पत्नी के साथ आपका संबंध खराब हो रहा है, मित्रों के साथ आपका संबंध खराब हो रहा है, और कई बार तो आप दिल से तो बहुत नेक इंसान है, हमारे ऐसे नहीं है कि जिसको क्रोध आता हुआ बुरा इंसान ही हो सकता है। हमारे ऐसे कई स्टार्स को भी हम देख सकते हैं, कई नेताओं को भी देख सकते हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार शब्दों का दोष आ जाने से उनके जीवन में परेशानी का युग बन सकता है। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं से आपका बुध खराब हो रहा है, आपका नेचर खराब हो रहा है। कई बार आपके जीवन में बहुत अच्छे मूड से आप घर में आ रहे हैं, लेकिन घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्योंकि आपका बुध पीड़ित है तो कुटुंब परिवार पत्नी माता पिता के साथ आपका संबंध खराब होना प्रारंभ हो जाता है। आप खुद बोलते हैं कि गुरु जी जब मैं घर के बाहर रहता हूं मेरा बहुत अच्छा भाव रहता है, अच्छे संबंध सबके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे हम घर पर आते हैं हमारे जीवन में तनाव का जो बनता है। बिल्कुल आचार्य जी, मेरा अगला सवाल भी आपसे इसी से जुड़ा होगा कि हम कई बार कई लोगों को देखते हैं कि वो बाहर तो बड़े हंसमुख हैं, सबसे अच्छे से बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर में एंट्री करते हैं वैसे ही आपका पारा चढ़ने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है और ये फ्रस्ट्रेशन आप घर के सदस्यों पर निकालने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण भी हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन ऐसा करने से हमारे वो कौन से ग्रह हैं या वो हमारी कौन सी अच्छाइयां हैं जो प्रभावित होती हैं, वो भी हम आचार्य जी से जानेंगे। अभी तो हमने सिर्फ आचार्य जी से इतना ही जाना कि वो कौन से ग्रह होते हैं जिसकी वजह से हमें क्रोध आता है, लेकिन क्रोध की वजह से भी हमारे कुछ ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, हम पे कुछ ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है, यानी कि हमारा कुछ अच्छा भी बुरा होने लगता है, तो वो क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन एक कॉलर है इस वक्त जो हमारा इंतजार कर रही है, दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ी है। निशा, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल आपका। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, मैंने उसका नामकरण के टाइम से उसका नाम निकला था शशि भूषण, और मैंने उसका नाम आर्या स्कूल में लिखवाया है और हम उसे आर्या ही कहते हैं जी। तो उसका कौन सा नाम ज्यादा बेटर है, शशि भूषण या आर्या? आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 14/5/2012। समय बताइए निशा। 6:30 बजे सुबह के 6:30। जन्म स्थान? कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। दिल्ली का। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, देखिए समझना होगा, वृषभ लग्न के अंदर जन्म हुआ है, लग्न के स्वामी शुक्र है और राशि के कुंभ राशि के अंदर जन्म हुआ, सतमिशा के दूसरे चरण में जन्म हुआ है, बेहतर है। देखिए क्या होता है, हम अपने बहुत अच्छा प्रश्न आ जाया है और इनके माध्यम से अपने और दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं कि अगर राशि के अनुसार जो आपकी कुंडली के अंदर राशि निकलती है उसके अनुसार आप नाम रखते हैं तो विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में बहुत आनंद का युग बनता है। लेकिन अभी तो शुरुआत है, मैं चाहूंगा कि उसका समीर रख सकते हैं, सा से यस से कोई भी नाम रखें, सप्तता के दूसरे चरण के अंदर जो उसका जन्म हुआ है इसके अनुसार अगर आप नाम रखती हैं तो सचमुच आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। लेकिन आचार्य जी, हालांकि ये आउट ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन फिर भी एक सवाल आया है तो मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुंडली का नाम होता है उसे बोलते हुए नाम से मैच नहीं होना चाहिए, कुंडली का नाम अलग होना चाहिए, बोलता नाम अलग होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो कुंडली में जो अक्षर निकलता है, जो नाम निकलता है, अगर हम उसी नाम से बोलता नाम भी रखते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। बिल्कुल, तो ये क्या कुछ मिथ्या बातें हैं? बिल्कुल ज्योति जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। अगर परमात्मा ने एक नक्षत्र के अंदर आपका जन्म दिया, समझने की बात है, राशि का महत्व क्या है भैया? हमारे जो पूर्वज थे, किसी बच्चे का जन्म होता था तो जाके पूछते थे कि भैया किस राशि के अंदर बच्चे का जन्म हुआ है। अब क्या है, किसी को राशि निकालना नहीं आता। या मैं अभी इस चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को पूछना चाहता हूं कि किसी कहीं पर इसका प्रमाण नहीं मिलता है। मानसागरी के अंदर बताया, स्पष्ट बताया गया है कि अगर आपके बच्चे का जिस राशि के अंदर जन्म हुआ है उसी राशि के अंदर, और राशि के अंदर भी नहीं, जिस नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ है, जिस चरण में जन्म हुआ है, हमारे तो कई ऐसे विद्वान है बोलते हैं इस राशि के अंदर कोई भी नाम रख दीजिए, ऐसा नहीं।
जिस नक्षत्र के अंदर जातक का जन्म होता है और जिस चरण के अंदर जन्म होता है उस चरण के अच्छे से अगर आप नाम रखते हैं तो आपके बच्चे के जीवन में सफलता का युग बनता है। तो अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहिए, जो मिथ्या बातें उसको हटा करके आपके बच्चे का अगर जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी नक्षत्र में हुआ, भरणी में, जिस नक्षत्र के अंदर, जिस चरण के अंदर जन्म हुआ है, नाम रखते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आज आचार्य जी ने हमें हमारे टॉपिक के अलावा भी हमें बताई कि नक्षत्र के जो अक्षर होते हैं अगर उसी से आप बच्चे का नाम रखेंगे तो निश्चय ही वो काफी सफलता पाने वाला, या ये कहेंगे कम मेहनत में उसे जल्दी सफलता मिल जाएगी। चलिए, इस वक्त समय हो चुका है हमारे आज की लकी कॉलर से बात करने का। लकी कौन में देखते हैं कौन है हमारे आज की लकी कॉलर, लगाते हैं उन्हें फोन। तो हमारे लकी कॉलर को फोन लग चुका है, चलिए बात करते हैं। कौन है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ, कहाँ से बोल रही हैं? मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ, यूपी से। जी, क्या नाम है आपका? बबीता नाम है, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। चलिए बबीता जी, पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, आप हमारे कार्यक्रम की आज की लकी कॉलर बनी है और आपको हम ये मौका देते हैं कि आप आचार्य जी से आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से चाहती है, तो जल्दी से पूछ लीजिए आचार्य जी से। पंडित जी प्रणाम। जय माता दी। पंडित जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका नाम अभिषेक है और डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1983 है। 93 समय क्या है? समय 9:45 सुबह। जी, जन्म स्थान? 9:43। कहाँ का जन्म है बबीता जी? अलीगढ़, यूपी। जी, क्या सवाल है बिटिया के बारे में? हाँ, बेटी के बारे में पूछती थी मैं। उसने 2015 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है पूरी। अभी वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके लिए जानना चाहते हैं कि सरकारी जॉब का कोई योग है कि नहीं। और ये भी पूछना चाह रही कि मूल क्या होती है, मूल के शांति से कोई फायदा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, बहुत अच्छे प्रश्न आ जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूँ नक्षत्र क्या है, मूल नक्षत्र आदि जो है नक्षत्रों के अंदर संज्ञा दी गई है और शास्त्र में ऐसा बताया जाता है किसी जातक का जन्म। बहुत अच्छा प्रश्न है यार, थोड़े समय पहले कम से कम नक्षत्र का महत्व हम समझें कि नक्षत्र हमारे जीवन में कितना प्रभाव देता है। जब हमारा नक्षत्र पीड़ित होता है तो उसकी अर्चना कहते हैं संस्कार विधि आदि के अंदर बताई गई है कि अगर नक्षत्र की शांति आप कर लेती हैं, क्योंकि जब जातक का जन्म हुआ, मूला नक्षत्र के अंदर किसी जातक का जन्म होता है तो 3 प्रकार की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या क्या आती है, नेचर में आती है, मनुष्य बड़ा गुस्सा करता है, बड़ा उग्र होता है, अगर उसके दिमाग में कोई चीज ठान लिया तो उसको करता ही है और वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। दूसरा प्रश्न कहाँ पे आता है, उसके शरीर पर आता है, व्याधि, कुछ व्याधि का जो बनता है। और तीसरा करियर पर आता है। हमारे जितने दर्शक हैं जो अपने बच्चों का मूल शांति नहीं कराते हैं उनके बच्चे के जीवन में 3 प्रकार के ताप देख सकते हैं। पहला ताप क्या आया, उसका गुस्सा आना प्रारंभ हो जाएगा, अच्छा हो, निगेटिव हो, बुरा हो, सब चीज वो करेगा। दूसरा, उसका शरीर में व्याधि का योग बन सकता है। और तीसरा, जो उसके करियर, उसका कर्म स्थान पीड़ित कर सकते हैं। तो आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते, जैसे कि इनके बच्चे का श्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है, हम आपको समझाना चाहते हैं पिता के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर जा सकता है, अपने बच्चे की मूल शांति आपको अवश्य कराना चाहिए। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि आपके बच्चे को सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो पाएगी कि नहीं। जैसा कि इनके पत्रिका का हम विवेचन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए 2 चीजों का विवेचन करना बहुत आवश्यक है, मंगल की स्थिति को देखना और साथ में सूर्य की स्थिति को देखना। सरकारी नौकरी की प्राप्ति इनको अवश्य हो सकती है क्योंकि मंगल गुरु इनके पत्रिका में केंद्राधिपति योग बनाकर बैठे हैं। मंगल इनको सरकारी नौकरी का योग बना रहा, सूर्य भगवान स्वराशि के अंदर विराजमान होकर बैठे हैं। आपके बच्चे को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है, मार्च 2017 के बाद इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनको कनेर का पुष्प होता है उसकी माला बना करके भगवान शिव को, भगवान हनुमान जी महाराज जी को अर्पित करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में जो असफलता परेशानी का युग बना है इसको दूर करके हमारे जीवन में सफलता का युग बनाइए। सच्ची भावना के साथ इस महा उपाय को करा के देखिएगा, आपके बच्चे के जीवन में सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी।
और अब हम बात कर लेते हैं सेहत की। जी हाँ, हम अक्सर परिवारों में देखते हैं कि छोटे बच्चों को चश्मा लगा होता है, यानी कि कम उम्र में ही आंखें कमजोर होने के चलते बच्चों को चश्मा लग जाता है। अगर आपके परिवार में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कम उम्र में चश्मा लग गया है, तो अब आपको देने जा रहे हैं हम उपाय, फिट है तो हिट है में। देखिए ध्यान से। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में असफलता परेशानी का जो बनता कहां से है। अगर नेत्र से संबंधित पीड़ा का जो बना है तो कहीं ना कहीं से कारण क्या है, हमारे पत्रिका के अंदर सूर्य खराब है। सूर्य को अच्छा करने के लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप करिए, आपके जीवन में लाभ होगा। रविवार के दिन इस उपाय को करना है आपको। थोड़ा सा गंगा जल लेना और गंगा जल के अंदर गुड़ और बेसन मिला करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके बच्चे के माध्यम से खिलवाइए, कम से कम 5-6 गुरुवार को आप खिलाइए, रविवार को खिलाइए। आप खुद देखेंगे आपके बच्चे के जीवन में जो नेत्र विकार है वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। तो भाई हमें आचार्य जी ने बता दिया। अगली कॉलर हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ी है, कमलेश जी स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 11 सितम्बर 1982 हाँ जी, 82। समय समय 4:20 दिल्ली का बर्थ है। समय एक बार दोबारा बताइए कमलेश जी। 5:20 सुबह के। 5:20 हाँ जी। अच्छा, हम 4:20 लीजिए जी। क्या जानना चाहती हैं आप? इसके बारे में जानना चाहती हूँ। इसकी शादी को 6 साल हो गए जी, और इसके घर परिवार में आज तक ना कुछ सर इसकी मतलब कोई इज्जत नहीं करता घर में, सबसे लड़ाई झगड़ा और घर में मतलब किसी से नहीं बनती, तो इसे गुस्सा भी बहुत आता है जी। आपने अपने बेटी का काल सर्प दोष पूजा कराया था? नहीं। बिल्कुल, देखिए हम समझाना चाहते हैं। इनकी पत्रिका के अंदर देखो ऐसा हो क्यों रहा है, पंचम भाव से इनकी पत्रिका में काल सर्प दोष लगा हुआ है। सावन का महीना बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहला कार्य करिए, काल जो इनकी पत्रिका में काल सर्प दोष लगा उसका निदान आपको करना चाहिए। एक माणिक रत्न धारण करना चाहिए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे सूर्य देव, हमारे द्वारा जाने अनजाने जो पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म हुआ है जिसके कारण हमारे जीवन में समस्या का योग बना है, उसको दूर कीजिए। इस उपाय को कराइए, विश्वास मानिए आपकी बिटिया के जीवन में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। तो आचार्य जी, थोड़ी देर पहले आपने हमें ये भी बताया कि किन ग्रहों की वजह से हमें गुस्सा आता है जी। लेकिन जब हम बेवजह गुस्सा करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को भी हम आहत करते हैं जी, तो निश्चित तौर पे इससे कुछ हमारे ऐसे अच्छे ग्रह भी होते होंगे जो रूठ जाते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि किसी को पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, वो भी अपने आप में एक दोष है जी। तो ऐसा करने से, मतलब गुस्सा करने से, वो कौन से ग्रह होते हैं जो पीड़ित हो जाते हैं, और ऐसा भी क्यों होता है कि हम बाहर तो बड़े खुश होते हैं लेकिन घर में जैसे ही आते हैं वैसे हमारे माथे की लकीरें गाढ़ी होने लगती हैं, हमें गुस्सा आने लगता है और हमारी नाक फूलने लगती है। बिल्कुल, देखिए समझाना चाहता हूँ। दो चीजों का योग हमने बताया। सबसे पहला, अगर आपकी पत्रिका में बुध खराब हो गए तो बुद्धि नाश का योग बनता है। मनुष्य जो का जो दिमागी ग्रोथ है, मानसिक संतुलन धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ हो जाता है। अगर आपको मानसिक विकास चाहिए और बुद्धि का विकास आपको चाहिए तो आपके जीवन में बुध को अच्छा होना बहुत आवश्यक है। और बुध क्या कहते हैं, मनुष्य जितना सौम्य होगा, मनुष्य जितना मिलनसार होगा, मनुष्य जितना अच्छा वक्ता होगा, उतना आपके जीवन में बुध प्रसन्न होते हैं। अब आपको समझाना चाहते हैं, आपने किसी को क्रोध कर दिया, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपने अपने पिता को क्रोध कर दिया तो आपका सूर्य खराब हो गया। सूर्य का प्रभाव आपके जीवन से धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ हो जाता है। आपने माता को पीड़ा पहुंचा दिया, चंद्रमा खराब हो गए। भाई के साथ पीड़ा का योग बना दिया, मंगल खराब हो गए। बुध बहन को आपने पीड़ित कर दिया, बहन खराब, बहन के जीवन में पीड़ा का योग बन गया तो बुध आपकी पत्रिका में खराब होंगे। गुरु, आप कहते हैं कि गुरु के समान, कहते हैं आप, हमारे कई से दर्शक है अपने गुरु का तिरस्कार कर देते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति महाराज जी की पीड़ा का योग बनने वाला है। पत्नी को अगर आपने पीड़ित कर दिया, पत्नी को बहुत गुस्सा आपने कर दिया तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में जो शुक्र महाराज जी की प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले हैं, शुक्र महाराज जी का प्रभाव खराब हो जाएगा। संतान, आप हमारे ऐसे कई ऐसे दर्शक है जो बेवजह संतान को पीड़ित करते रहते हैं, संतान को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं तो आप क्या देखते हैं, शनिदेव जी आपके जीवन में
पीड़ा का युग बना सकते हैं और किसी मित्र के साथ विश्वासघात कर दिया, किसी मित्र को आपने पीड़ा पहुंचा दिया, राहुल जी आपके जीवन में दोष लगा देते हैं, समाज को आपने, राष्ट्र के साथ आपने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो केतु जी आपके जीवन में पीड़ा का युग बना सकते हैं। बेहतर है कि अपने जीवन में जो बुरे चीजें चल रही है, नकारात्मक चीजों का समावेश बना है, उसको दूर करना चाहिए। दूसरा, ज्योति ने प्रश्न किया, ज्योति जी ने, कि अगर आपने घर के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो घर के अंदर जैसे प्रवेश करने से आपके जीवन में असफलताएं, परेशानी का युग बनता है, तो कहीं ना कहीं से आपके घर के अंदर बुध की चीजों का, नकारात्मक चीजों का प्रवेश हो चुका है। आप कहते हैं आपके घर में तुलसी लगाते हैं, लेकिन तुलसी का वृक्ष जो है बहुत जल्दी सूख जाता है, तो आपके घर में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का कोना पीड़ित है तो आप क्या देखेंगे कि जो आपके घर में जो भी आप करेंगे, आप घर के अंदर आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बन सकता है। तो एक दिन हम वास्तु पर भी चर्चा करके आपको बताएंगे किस प्रकार के दोष आपके जीवन में लगे हैं उसको ठीक करिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बनता है। चलिए, तो इतने सारे रहस्यों पर से तो पंडित जी ने, आचार्य जी ने पर्दा उठा लिया है, लेकिन वो उपाय भी हम आचार्य जी से ले लेते हैं जिससे हमारा फायदा होगा, रूठे ग्रह मान जाएंगे। तो जानते हैं महा उपाय गुस्सा कंट्रोल करने का। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, बड़े स्नेह के साथ समझाना चाहता हूँ, क्रोध जो है पाप का पिता है मेरे भाई बहन। अगर आप क्रोध करते हैं तो क्रोध के माध्यम से आपके जीवन में अपार धन संपत्ति यश कीर्ति का विनाश बनता है। आपको क्रोध करने के लिए, आपको क्रोध दूर करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसको करें लाभ होगा। आपको एक पात्र के अंदर प्रतिदिन आप जब सोते हैं तो सोने वाले पात्र के सोते समय किसी पात्र के अंदर आपको जल रखना है। जल में थोड़ा सा आपको चंदन होता है ना, चंदन को पीस करके आप डाल देना। जो प्रातःकालीन आप उठते हैं नारायण जी का ध्यान करते हुए किसी वृक्ष में डालना प्रारंभ कर दें। आप जैसा देखेंगे जो पेड़ सूखा हुआ है या कोई पेड़ के अंदर आप जल डाल रहे हैं, जैसे उसके अंदर हरियाली आएगी, वह जैसे उसके जीवन में सकारात्मक चीजों का समावेश होगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो क्रोध आदि आ रहा है, आप विश्वास मानिए भगवान नारायण की कृपा से आपके जीवन से क्रोध दूर होता चला जाएगा। तो आचार्य जी ने हमें उपाय भी दिया। हमारी अगली कॉलर लखनऊ से हमारा इंतजार कर रही है, कंचन से बात कर लेते हैं। कंचन, स्वागत है आपका, पूछिए। प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। मुझे अपने पति के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। हाँ, उनका नाम है वेद प्रकाश तिवारी जी, और 29 जुलाई 1977 जी। समय? और समय है 5:30 शाम के। कहाँ का जन्म है उनका? फैजाबाद। क्या सवाल है कंचन, पूछिए। उनके स्वास्थ्य के बारे में मुझे जानना था और आर्थिक स्थिति जी। बिल्कुल, जैसे कि कंचन जी, इनके पत्रिका का हमने विवेचन किया है, राहू जी की महादशा चल रही है। राहू जी इनके पत्रिका में कर्म स्थान के अंदर विराजमान है, और राहू जी की महादशा के अंदर जो अंतर इनके पत्रिका में चल रहा है वह मंगल का चल रहा है। मंगल इनकी पत्रिका में छठे भाव के अंदर विराजमान है, तो इनके जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बन सकता है। कभी इनको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। बेहतर है कि इनके दोष के लिए एक ऋण मोचन पाठ होता है, मंगलवार के दिन 5 आचार्य के माध्यम से आप ऋण मोचन पाठ करा दें, या कम से कम 108 सुंदरकांड की पुस्तक का किसी धर्म स्थान पर आप दान करा देते हैं, और गुरुद्वारे के अंदर या जहां पर भंडारा चल रहा है वहां पर इनके वजन के बराबर गेहूं का दान करा देते हैं, तो विश्वास मानिए जो इनके जीवन में शारीरिक व्याधि का युग बना है वह दूर हो जाएगा, और इनके जीवन में धन का भी युग धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और आज के विषय पर चर्चा के लिए। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तारे सितारे में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके, मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा हूँ। आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है? सॉरी यार।
काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपने पन को नहीं मार सकता। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के चतालु का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में,
उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।